हास्य वाला है क्या? अच्छा हमको तो छोटे बच्चे तक निपटा जाते हैं सब। सच बता रहा हूँ मैं। वो एक आ गया मेरे पास, बोला कवि हो? मैंने कहा हूँ। बोला कविता लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बोला आपके पिताजी लिखते थे क्या? मैंने कहा हाँ लिखते थे। बोला उनके पिताजी? मैंने कहा लिखते थे। बोला उनके? मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अब बच्चे ने जो जवाब दिया है सब सुन के आपको मजा आ जाए तो एक भी हाथ खामोश न रहे। मैंने कहा लिखते तो थे, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा ऐसे ही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ये बेवकूफी की जड़ शुरू कहां से हुई। बधाई हो भाई, वाह वाह वाह, क्या बच्चे ने निपटाया आपको। अरे इतना ही नहीं, इतने में भी छोड़ देता तो मैं भला मानता उसका। अब बेइज्जती सी हो गई, बदला भी लेना था। मैंने उसको एक तरफ बुलाया, मैंने कहा बेटा एक बात बता, अगर तेरे पूर्वज हाथी होते तो तू क्या होता? उसने कहा जी तब मैं छोटा हाथी होता। मैंने कहा अगर वो घोड़ा होते तो? बोला फिर छोटा घोड़ा होता। मैंने कहा अगर वो गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो तुम क्या होते? सर मैं ये सोच रहा था बच्चा जवाब देगा, मेरी बेइज्जती का बदला निकलेगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, लेकिन वो बच्चा सन 2000 के बाद वाला था। भाई बच्चे तो उससे पहले ही पैदा हुए हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट पिताजी ने अवतार लिया है। मैंने कहा अगर तुम्हारे पूर्वज गधे उल्लू इनमें से कोई होते तो? ऊपर से नीचे तक मुझे देख के कहता फिर मैं तुम्हारे जैसा हास्य का कोई कवि होता? बधाई हो विनीत भाई, क्या बात है। नहीं समस्या आ जाती है, मतलब क्या कहें, हमारे साथ तो स्थितियां भी बता भी रहे थे भाई साहब कि अभी ताजी ताजी शादी हुई है। मैं समझ सकता हूं जिसकी ताजी नहीं रह जाती है वो यही सही करता रहता है। वैसे विनीत पांडे बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये कहते हैं भाई साहब जब तक घर नहीं जाता घरवाली खाना नहीं खाती है। मैंने विनीत भाई ऐसी पत्नी आजकल मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है, बधाई हो। बोले बधाई का ख्याल हो, जब घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। चलिए एक बार तालियां बजा के विनीत पांडे जी को आगे। नहीं साहब हम तो पिछली सदी के लोग हैं। मैं वही कह रहा था, आप कई हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं जो सन 2000 के आसपास वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आते ही सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं देने वाला था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शुभकामना आपको 31 दिसंबर की रात 12 बजे ही मिल गई होगी। हैप्पी न्यू ईयर सोना। ये तीन शब्द भाई साहब मेरे कभी समझ में नहीं आए, सोना बाबू और पुचकू। पुचकू हाँ, जिनके समझ में आ गए मुझे दिख रहा है, उनके चेहरों पे तो हंसी आ रही है, वो मुझे दिख रहा है। अच्छा नहीं, ये ऐसे नहीं, कुछ दिखा रहे हैं कुछ नहीं दिखा रहे। नहीं वो इसलिए नहीं दिखा रहे ना क्योंकि आज दूसरा वाला पुचकू आया है। नहीं ये मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से बातचीत होते रहती है, सोना बाबू पुचकू, मुझे तो लगता है वैलेंटाइन डे के दिन फूल की जगह दूध की एक बोतल ही दे देना। लेकिन आइएगा साहब, आज का जो परिस्थिति है जो बहुत अलग परिस्थिति है, मैं चार पंक्तियां सबसे पहले सौंपना आपको ये चाहता हूं। जब भी हम बाहर निकलते हैं, भाई साहब अभी दुबई की यात्रा करके आ रहे हैं, भाई साहब अभी पिछले दिनों अमेरिका थे, जब भी बाहर हम निकलते हैं हमसे भाई साहब एक सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं? हम कहते हैं हम भारतीय हैं। फिर हमसे सवाल किया जाता है भारतीय कौन? मैं कहीं इतिहास से चार पंक्तियों में आपको बात ये कहना चाहता हूं, देश का चरित्र आपके सामने रखना चाहता हूं, बात अच्छी लगे सच्ची लगे आशीर्वाद दीजिएगा। हम कौन लोग हैं साहब? हम वो लोग हैं के याचना करे कोई तो सब जानते हुए भी कवच और कुंडल का दान वार देते हैं। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, पौराणिक प्रसंग से निकाला यथार्थ। के याचना करे कोई तो सब जानते हुए भी कवच और कुंडल का दान वार देते हैं,
हो जाए कोई जो शरणागत, तो शत्रुओं के भाई को भी अपनाते और प्यार देते हैं। क्या बात है, अच्छी बात है, वाह। और मित्रता करे कोई तो बनकर सारथी, युद्ध में विजय श्री का उपहार देते हैं। क्या बात है, और तालियां आप चाहिए आपकी, कि मित्रता करे कोई तो बनकर सारथी, युद्ध में विजय श्री का उपहार देते हैं। और अब शब्द 100 तो माफ करते हैं, किंतु फिर बन चक्रधारी शीश भी उतार लिया। अरे है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे विनीत पांडे, क्या बात है, क्या तेवर है आपके। फिर हमसे हमारी भूमि के बारे में पूछा जाता है सर। हमारी भूमि के बारे में जब पूछा जाता है, फिर चार पंक्तियां देता हूं आपको कि ये है भूमि प्रेम एकता अहिंसा शौर्य की, जहां सारे पर्व एक साथ मन जाते हैं। क्या बात है, अच्छा है। यह है भूमि प्रेम एकता अहिंसा शौर्य की, जहां सारे पर्व एक साथ मन जाते हैं। बुद्ध और गांधी की भी जन्मभूमि है यही, यहां प्राण जाते पर ना वचन जाते हैं। किंतु बात देश की जो अस्मिता पे आए, तो भारती के बेटे बेटी साथ तन जाते हैं, और लक्ष्मीबाई बन जाती है यहां की बेटियां, तो बेटे चंद्रशेखर भगत बन जाते हैं। आज पूरे विश्व में जिस तरह से भारत के ऊपर निगाहें बनी हुई हैं साहब, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के विषय में जब हमसे बात की जाती है, मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, सर एक लाइन में आपको बताता हूं, सिर्फ एक पंक्ति में। कोई पूरे विश्व में आकर मेरे सामने यह बात है कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी कहीं भी कभी भी रही हो, तो मैं पंक्तियां सौंपता हूं, बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। टेक्नोलॉजी के विषय में हमसे बात की जाती है, मैं बताता हूं टेक्नोलॉजी। सागर पे पत्थरों से रास्ता बना चुके हैं, और अस्थियों से अस्त्र हमने बना लिया। अरे है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी भी है क्या किसी के पास? क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी बताता हूं आपको मैं। सागर पे पत्थरों से रास्ता बना चुके हैं, और अस्थियों से अस्त्र हमने बना लिया। एक हम 1,25,000 के समान होते हैं जी, गुरु जी ने बात ये भी जग को बता दिया, और ज्ञान विज्ञान का प्रसार जग में किया, गूढ़तम भी रहस्यों को सुलझा लिया। क्या बात है, लोक हित हेतु लांघे कभी पर्वत, कभी लोक हित हेतु पर्वत ही उठा लिया। क्या बात है, अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। हमारे सामने साहब कोई टिक नहीं सकता, कुल मिला के बात इतनी कहनी थी। नहीं, क्या होता, ये उदाहरण देके कहना पड़ता ना, कोट करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी है। नहीं, यहाँ सिद्ध करना पड़ता है। आईटी के बच्चे बैठे होंगे तो इनको बताना होगा। नहीं, बच्चे तो माँ बाप के ही हैं अपने, आईटी पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है। ये मुझे पता नहीं, अब सर क्या पीछे से आना पड़ता है ना दौड़ते हुए, एकदम से आपसे कोई पूछ ले 1908 नहीं बता सकते, तो 19 से कम 19 करते हुए हमको पहुंचना पड़ता है। तो ये अभी वही कर रहा था मैं, अब पहुंचा हूं 1908, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन आइएगा, मैं एक कविता विशेष आपके सामने रखना चाहता हूं, आज माहौल अलग है। बीते दिनों देश में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, टीवी पे अनेक प्रकार के डिबेट देखे, उसमें एक चीज आपने ये देखी होगी साहब, कि केंद्र बिंदु में एक शब्द रहा, और वो शब्द था देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति मेरे हिसाब से सापेक्षिक है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है। मैंने जो शब्द चित्र बनाया है वो आपके सामने रखता हूं, 3-4 लोगों के बीच की बातें हैं, और देशभक्ति का एक जो है निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पे, 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा, भाई मेरा मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा, वाह बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी हवा, आ जाएगी उन्नति, तो लीजिए मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय अकबर के राज में पी रहे हैं।
बहुत अच्छी बात। फिर तो आप ये चाय अकबर के राज में पी रहे हैं भाई। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। बहुत अच्छी बात। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव, देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव क्या आपके चचा लेके आएंगे? हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। बोले कैसे? बोले लोगों को मोटिवेट कीजिए, आर्टिकल लिखिए, जुलूस निकालिए, आगे आगे देखिए, पोस्टर छपवाइए, चैनलों पे जाइए। आपको शायद ज्ञान नहीं है कि देशभक्ति इतनी आसान नहीं है। क्या बात है, अच्छा है, वाह 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 वाह। आपको शायद ज्ञान नहीं है कि देशभक्ति इतनी आसान नहीं है। तभी चौथे ने कहा देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो सरकार का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए, कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में चुनी हुई सरकार का समर्थन जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। इसके बाद उन चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। और दोस्तों अब आपका मन चाहता हूं मैं, यहां कविता सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं आपका मन चाहता हूं अगली कुछ पंक्तियों पे। उसके बाद चारों स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, बोले क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू जो अपने घर का सबसे बड़ा था, झूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति कैसे की जाती है, मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मुझे नहीं पता देशभक्ति कैसे की जाती है, मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं हर साल, हर साल। मित्रों अगली पंक्ति जो मैं आपको सौंपने जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों की संवेदनाओं तक ये पंक्ति पहुंचती है, और यथार्थ में ये पंक्ति जितने लोगों को लगती हो कि ऐसा हो रहा है या होना चाहिए, सब मुझे मेरा समर्थन कीजिएगा। बोले हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं, सावधान हो जाता हूं जब भी जनगणमन सुनता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत। बहुत अच्छा है, क्या बात है। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं, सावधान हो जाता हूं जब भी जनगणमन सुनता हूं, कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं, क्या बात है, सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूं, इस पौधे को रोज पानी डालता हूं, छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे दुलारता हूं, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। मित्रों अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, जोरदार विदाई दीजिएगा मुझे। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता, बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है कैसे। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत।